हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनोखा पोस्ट। दोस्तों, छठ का व्रत किसी कठिन तपस्या से कम नहीं है। छठ पर्व पति और संतान की दीर्घायु के लिए किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार सच्चे मन से छठ व्रत करने पर सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसी मान्यता है कि छठ पर्व पर व्रत रखने वाली महिलाओं को पुत्र की प्राप्ति होती है। महिलाओं के साथ पुरुष भी अपने कार्य की सफलता और मनचाहे फल की प्राप्ति के लिए इस व्रत को पूरी निष्ठा और श्रद्धा से करते हैं। आइए एक छोटी सी जानकारी लेते हैं इस दादी माँ से, जिन्होंने छठ को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। नहा के रख देते हैं। हाँ, कोई दूध चढ़ाता है, कोई पानी चढ़ाता है, सुपर लगता है, घर चल आता है। खरीदे लगते 1000 सामान है, खरीदे लगते 1000 सामान है, लेकिन दौरा का अपना ही अलग महत्व है। तो चाची, जो छठ मनाते हैं तो वो क्यों मनाया जाता है? हाँ, किसी को बाल बच्चा नहीं होता है। कितना देते हैं इसका? बेचो बेटा, वो बोल दिए। हाँ, कि हे राणा मैया, नाथ बाबा, कोई को वंश हो जाए बेटी या बेटा तो हम आपका हाथ उठावेंगे, दूसरे से उठावेंगे, एक सुख से उठावेंगे, दस सुख से उठावेंगे, अपना ही इच्छा तो भगवान दे दिए। यही ला करता है, बाल ला, बच्चा ला, रोजी ला, रोजगार ला। ये भगवान, हम गरीब हैं, हमने राजा कर दीजिए, आपके हम बड़त उठाने हैं, वो भी होता है। सुनते हैं सबको, इसीलिए इतना महात्म नहीं करता है, अब 15 आदमी करता है। आप आज हम यहाँ खाओगी, आप कल खरना हो गया, परसों पारण पहला रख हो गया, सब घाट किनारे चले जाते हैं, सब पर एक दिन पर्व होना चालू हो जाता है। छठ है। हाँ, तो छठ में इन टोकरों का क्या महत्व है? इसमें इसमें सूप दौरी रौना मैया को उठा कर दौरा ले जाते हैं, इसमें फल रख कर लेके जाते हैं। हाँ, और उसके बाद वहाँ पर क्या होता है? घाट किनारे वहाँ अर्घ उठाते हैं परवैतिन लोग। हाँ, अर्घ उठता है उसके बाद। हाँ, इसे अर्घ सूप भगवान का। जी जी, आगे भी अनोखा पोस्ट आपको ऐसी रोचक जानकारियाँ देता रहेगा, तो बने रहें हमारे अनोखा पोस्ट चैनल के साथ।